अच्छा है जहाँ बस्ती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। अली वाले जन्नत बना। अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। और सिर्फ फर्श पर ही नहीं, फराज़ेदा प्रचार करने मेरा मौला हुसैन चला था, दरबार में भी ज़हरा विलायत अली का प्रचार करने चली थी। तो मक्तल हो या जिंदा हो, जहाँ अख्तार मासूमीन अली की विलायत का करार करवाते रहे, खुद पे सख्तियाँ झेलते रहे। आज भी लोग इस हवाले से कुर्बानियां दे रहे हैं। तो फराज़ेदार हो, मक्तल हो, जिंदा हो के सहरा हो, जली इश्क़े अली की शम्मा परवाने आ बैठे। और कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो, जहां जिक्रे अली छेड़ा वहां दीवाने आ। एक मौलाना को इस कलाम के सबके सेहत सलामती अता फरमाए, और नकाज पर एक शहीद के भाई भी हैं मौलाना जगह अता फरमाए तमाम शहदा बेहतर जाफरिया को, कि मरहली का चाहने वाला जिंदगी से जाता है, शहीद तो कभी मरता नहीं है। ये कुरान साबित कर रहा है, कुरान में साबित है, साफ जाहिर है। और फिर इसके साथ साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स मवद्दत मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल में लिए दुनिया से जाता है वो मरता नहीं, शहीद कहलाता है। तो शहीद हमेशा जिंदा होता है। तो अब देखिए अली का चाहने वाला जो दुनिया से जाता है तो होता क्या है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, इसी तरह जाकर सुनना है। अली वालों अपने मकान से और अली के दर पे जा। चले अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे। अब अली का चाहने वाला दुनिया से जा रहे हैं, उसकी फीलिंग्स कैफियत क्या है, लवाहिकी की कैफियत उसके चाहने वालों के आरोप करने वालों की कैफियत, उसकी फीलिंग्स क्या है, दोनों फर्क बता रहा हूं। एक वो कहता है दुनिया से जाने वाला, अधिकार चाहने वाला कहता है इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। इधर रुखसत किया सबने, उधर आए अली लेने। यहां सब रो हम वहां महफिल सजा।
सजा बैठे, इधर से रो रहे थे हम, वहां महफिल सजा बैठे, कहा अरे आप तो दुनिया से जा रहे हो, महफिल कहाँ सजा रहे हो, तो महफिल कहाँ सजेगी, समाप्त कीजिएगा। अली के नाम की महफिल सजी शहर खामोशा में। और जो छोटे बच्चे बैठे जो उर्दू से खास वाकिफ नहीं है, ग्रेवयार्ड को यानी कब्रिस्तान को शहर खामोशा भी कहा जाता है, ताकि आपको भी समझ में आए और आप लोग ले। अली के नाम की महफिल सजी शहर खामोशा में, जितने बावफा थे जितने बावफा वो सब के सब महफिल में आ। अब देखिएगा बड़ी माफ़त के साथ अगर सुन लिया तो जिंदगी भर आपके लिए दुआ निकलती रहेगी। बतौर खास शेर समाप्त कीजिएगा तमाम निजामत कर रहे थे, और जितने भी नाज़िम मिंबर होते हैं वो महफिल की जान होते हैं, क्योंकि वो महफिल का महफिल की रूह को समझते हैं, और इसी तरह वो अपने जितने पढ़ने वालों को इज्जत के साथ नवाजते हैं, और उनके पास अच्छे अल्फाज बोल रहे ताकि अच्छी जबान हो, ताकि जबान है तो वो बोलते हैं यकीन। लेकिन मौला जी अलैहि सलाम के जिक्र के लिए जबान का होना भी शर्त नहीं है, तशरीह करने की जरूरत नहीं है, जबान ना भी हो तब भी जिक्र नहीं होता है। इसलिए निजामत के लिए मौला ने बुलाया कि इस पर देखिए कुर्बानियां, देखिए कुर्बानियों का सिला देखिए, कि जो छोटा सा सिला है मौला जी की कुर्बानी, मौला जी की राह में कुर्बानी देने का। अली के नाम की महफिल सजी है शहर खामोशा में, कब्रिस्तान में महफिल सज गई, सारे बाबा आ गए, रसूल खुदा भी आ गए, मौला अली भी आ गए, बी फातिमा भी आ गए, पंजीत पाक चारदा मासूमीन जुमला अहले बैत तशरीफ फरमा है। अब निजामत के लिए कौन आ रहा है सुनिएगा, निजामत के लिए मौला ने खुद मीसम को बुलवाया, निजामत के खाना भी अब समाप्त कीजिएगा। अली वालों के मरने का है बस इतना साफ़साना, कि जैसे कोई मस्जिद से अज़ाने से पहले मक्के में निकलते ऐसी बात की है, ऐसी बात की है कि उसके पहले का नारा नहीं लगा तो बाद में महसूस होता है।
लेकिन इस ईमान के साथ कि जिसका ये ईमान है कि हम जब महफिल सजाते हैं, मेले सजाते हैं और आले मोहम्मद मोहम्मद आले मोहम्मद को दावत देते हैं तो वो आते हैं और यकीनन आते हैं। किस किस का ईमान है जरा हाथ बुलंद करके बोलिए। हम सबके लिए ईमान है। और एक सवाल है कि जाहिर जब कोई जाकिर पढ़ रहा हो और मौला अली बैठे हों और हम कहेंगे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात, तो जाहिर मौला अली सलावात पढ़ेंगे बैठकर। ऐसे ही अल्लाह भी दूर भेज रहा है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बात ये बात जहन में रखिएगा और अब एक नारा लगाइएगा फिर मक्का आपके से समाप्त होगा। दिया है एक नारा इतना बुलंद होना चाहिए जहाँ हर साल मैं लगाता हूँ उसका रिकॉर्ड टूटना चाहिए। दोनों हाथ फजा में बुलंद करके मेरी गुजारिश है दस्त अपने बुजुर्गों से हमारे हौसला अफजाई के लिए, जवानों की हौसला अफजाई के लिए अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए बुलंद कीजिएगा। सारे जवान सारे बुजुर्ग दोनों हाथ फजा में बुलंद करके जो माए बहने बैठी है वो भी नारा लगाएंगे अंदर बैठकर दोनों हाथ बुलंद करके। खुद मौला भी अपने नाम का ना।